क्लास नाइन्थ होपिंग यू आर आल फाइन दिस इज आर टुडेज लेसन डेटेड सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी थी और टीचर हाजरा बी भी अगेन फ्राम चैप्टर नंबर एट टूडेज टॉपिक इज स्टमक डाइजेशन चर्निंग एंड मेल्टिंग आज के टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि स्टमक में कौन कौन से काम होते हैं डाइजेशन जो हमने खाना खाया वो डाइजेस्ट होता है चर्निंग उसको छोटे पीसेस में डिवाइड करना एंड मेल्टिंग और उसको मेल्ट करना इसके हम डिटेल देखेंगे कि हर स्टेप में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं सो so, स्टमक में जो बेसिक काम है दैट इज चर्निंग ऑफ द फूड फूड को बहुत ही माइन्यूट पार्टिकल्स में डिवाइड करना तोड़ना काइम फॉर्मेशन काइम एक लिक्विड एक सूप की तरह का फ्लूड होता है हम जो भी सॉलिड खाना खाते हैं वो फाइनली कन्वर्ट हो जाता है इनटू काइम दैट इज सूप लाइक फ्लुइड और इस प्रोसेस में जो मेजर एलिमेंट इन्वॉल्व है दैट इज गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक ग्लैंड ग्लैंड क्या चीजें ग्लैंड वो टिश्यूज हैं हमारी बॉडी के अंदर जो के लिक्विड्स सिक्रीट करते हैं अब गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रीट करेगा गैस्ट्रिक जूस क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में म्यूकस होता है म्यूकस एक स्लिमी मटेरियल होता है लेसदार चिपकने वाला मटेरियल होता है एच होता है और पेप्सिनोजन पेप्सिनोजन क्या है ये एक्चुअली एक एंजाइम है पेप्सिनोजन का फंक्शन क्या है पेप्सिनोजन एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है और ये जब एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एच यही वाला एच तो फिर ये पेप्सिन बन जाता है अब ये पेप्सिन है जो स्टमक के अंदर डाइजेशन में अपना रोल प्ले करेगा कहाँ पर रोल प्ले करेगा जितनी भी हम प्रोटीन्स खाते हैं यानी कि जितना भी हम गोश्त खाते हैं हम चिकन खाते हैं ये पेप्सिन उसको डाइजेस्ट करेगा इन सब फंक्शंस को स्टमक के जितने भी फंक्शंस हैं इनको समझने के लिए हमें स्टमक का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा लास्ट लेसन में हमने ओरल कैविटी का पढ़ा था कि ओरल कैविटी किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करेगी और आज के लेसन में हम स्टमक के बारे में पढ़ेंगे सो स्टमक को समझने के लिए पहले स्टमक का स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है स्टमक के स्ट्रक्चर पे अगर हम आ जाएं तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि माउथ से खाना जो हमने खाया है जो बोलस में कन्वर्ट हुआ वो जाएगा एसो में इसोफेगस से फिर ये स्टमक में आएगा एसो में कोई डाइजेशन कोई प्रोसेस नहीं होता इसोफेगस जस्ट इस फूड को माउथ से ट्रांसफर करता है इन टू द स्टमक स्टमक क्या है एक बैग है जे शेप का और ये किस चीज से बना है ये स्मूथ मसल्स से ये बैग बना है ठीक है ये वही एलिमेंट्री कैनाल है जो माउथ से स्टार्ट होती है और फिर इंटेस्टाइन और इंटेस्टाइन के बाद एनस पे एंड होती है लेकिन स्टमक इसी एलिमेंट्री कैनाल का एक डायलेटेड पार्ट है एक फूला हुआ हिस्सा है अब स्टमक के दो पार्ट्स हैं ऊपर वाला जो इसका पोर्शन इसको हम कार्डिक पोर्शन कहते हैं कार्डिक दिल से है ना कार्डियोलॉजी स्टडी ऑफ द हार्ट सो कार्डिक पोर्शन वो पोर्शन जो दिल की तरफ है जो ऊपर वाली साइड पर है और पाइलोरिक पोर्शन ये जो हाफ है इस पोर्शन को हम पाइलोरिक पोर्शन कहते हैं स्टमक का इसी तरह से स्टमक की जो ओपनिंग है जो एसोफेगस के साथ है एसोफेगस और कार्डिक एंड के दरमियान एक फिंकटर है स्विंगटर एक रबर बैंड की तरह का है इसमें मसल्स होते हैं और ये स्टमक के माउथ को बंद किए रखता है ये सिर्फ तभी ओपन होता है जब पेरिस्टालसिस मूवमेंट के साथ यहाँ से वो बोलस एंटर होने के लिए पहुंच जाए सिर्फ तभी यह कार्डिक स्वेंटर ओपन होता है अदरवाइज ये बंद रहता है इसी तरह से लोअर एंड पर अगर आप देखें पाइलोरिक एंड पर भी पाइलोरिक एंड और स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान में एक रबर बैंड है मसल्स का और इसको हम क्या कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर ये क्या करता है यहाँ पर जितने भी हमने खुराक खाई है जो भी हमने खाना खाया है उसको आगे फर्दर मूव होने से रोकता है इससे पहले कि वो काइन की फॉर्म में बन जाए वो एक लिक्विड एक प्रॉपर लिक्विड सूप की फॉर्म में आने से पहले उस खाने को फर्दर मूव ऑन नहीं होने देता अब अगर इसको हम कट करें तो ये बाहर जितनी भी लेयर है ये तो मसल्स हैं लेकिन इनर साइड्स पे ये जो आपको सर्फेस नजर आ रही हैं यहां पर ग्लैंड होते हैं इन ग्लैंड को हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड ग्लैंड्स बताया ये प्रोड्यूस करते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करते हैं अब जैसे ही खाना स्टमक में आएगा स्टमक को पता चल जाएगा कि अब मुझे गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस करना है जो भी हम खाना खाते हैं खाना जैसे हमारे माउथ में एंटर हुआ साथ ही स्टमक को स्टिमुलस मिलना स्टार्ट हो जाएगा कि गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस किया जाए सो so, गैस्ट्रिक जूस की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है अब इसमें सबसे पहले पेप्सिनो पेप्सिनोजन एक इसका इंग्रेडिएंट है जिसके हमने पहले भी पढ़ा पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म है इस एंजाइम की जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स से प्रोड्यूस होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स तीन चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और ये तीनों चीजें पार्ट है गैस्ट्रिक जूस का पेप्सिनोजन एक इनएक्टिव एंजाइम है ये कन्वर्ट होता है इंटू पेप्सिन जब इस पर एच एक्ट करता है इसके अलावा स्टमक एच प्रोड्यूस करता है ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है अब इसका फंक्शन क्या है पहला फंक्शन तो पेप्सिनोजन को एक्टिवेट करना इनटू पेप्सिन एक्टिव फॉर्म है ताकि वो प्रोटीन को डाइजस्ट कर सके दूसरा काम हम खाना जब खाते हैं खाने में थोड़े बहुत जरासीम लाजमी चले जाते हैं सो एच उन जर्म्स को किल करता है फिर म्यूकस म्यूकस एच और पेप्सिनोजन ही के साथ से होता है इसका फंक्शन क्या है ये एक लेसदार एक स्टिकी सा लिक्विड मटेरियल होता है और स्टमक की वॉल्स पर जब यह एच गिरता है तो म्यूकस उसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है यही वजह है कि स्टमक खुद पेप्सिनोजन या पेप्सिन एंजाइम सेक्रेट करता है खुद इतना स्ट्रॉन्ग एच प्रोड्यूस करता है लेकिन ख़ुद महफूज रहता है इनके एक्शन से इनके डैमेज से महफूज रहता है क्यों म्यूकस की वजह से सो so, ये तो हो गया गैस्ट्रिक ग्लैंड वाला पोर्शन कि लिए किस तरह से डाइजेशन में हेल्प करते हैं उसके बाद फंक्शन एक और भी फंक्शन है स्टमक का और वो क्या है चर्निंग जैसे ही फूड जो हमने खाना खाया जो हमने निवाला लिया फिर उसको बोलस में कन्वर्ट किया मुंह में चबाकर जैसे ही वो बोलस स्टमक में इंटर होगा स्टमक के मसल्स स्टिमुलेट होंगे और वो मूवमेंट्स स्टार्ट कर देंगे स्टमक की वॉल्स जब मूव करेंगी तो उस मूवमेंट से ये खाना अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाएगा और फाइनली एक सूप लाइक -like मिक्सचर में कन्वर्ट हो जाएगा इस सूप लाइक -like मिक्सचर को हम कायम कहते हैं जब काइम फॉर्मेशन हो जाती है इसके बाद पाइलोरिक स्फिंक्टर जो है वो डायलेट होता है और अलाउ करता है इस कायम को कि वो फर्दर ड्यूडिनम में जाए और फर्दर डाइजेशन हो सके ड्यूडिनम जैसे कि आपको यहां पर नजर आ रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का जो फर्स्ट पार्ट है इसको ड्यूडिनम कहते हैं इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इनशाला अगले टॉपिक में सो दिस वॉज ऑल अबाउट द रोल ऑफ स्टमक डाइजेशन किस तरह से करता है डाइजेशन में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का गैस्ट्रिक जूस इन्वॉल्व होता है जिसमें पेप्सिन का अपना एक रोल है प्रोटीन डाइजेशन में एट का अपना एक रोल है और म्यूकस का अपना एक रोल है। फिर चर्निंग एंड ऑफ़ फ़ूड इसमें स्टमक की वॉल्स कंटिन्यूसली मूव करती रहती हैं और अपना रोल प्ले करती हैं सो देट वॉज ऑल अबाउट आर टूडेज लेसन स्टमक पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये इसके मेजर फंक्शन है और इनको डिस्क्राइब करने के लिए स्टमक का अपना स्ट्रक्चर उसके पार्ट्स भी पता होने चाहिए सो इनश्ल नेक्स्ट लेसन में हम अगेन मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और लेसन अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिएगा अल्लाह हाफ़िज